जय गुरुदेव। महाकाली का सीधा वार ब्लैक मैजिक पर। जितनी भी तरह के ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, जादू टोना इत्यादि है, वो सब माता महाकाली से ही शुरू होते हैं और वहीं पर ख़त्म होते हैं। भूत, प्रेत, जिन जिन्नात या डाकनी शाकनी इत्यादि, जो कुछ भी स्पेशल लेकिन इल पावर के अंतर्गत आते हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिकों की खाट खड़ी कर देते हैं, उनकी सीधी हाजिरी महाकाली के दरबार में होती है। इस कार्य को काल भैरव महाकाली के अंडर मैनेज करते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे भूत प्रेत या जिन्नात होते हैं, वो बस इस तरह लावारिस घूमते रहते हैं, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इनसे निजात पाने के लिए गंगा जल छिड़कना, हवन करना इत्यादि ही काफ़ी होता है। लेकिन जो पावरफुल जिन्नात या भूत प्रेत होते हैं, उन पर ऐसी क्रिया का बहुत कम असर होता है, इसलिए उनके लिए डायरेक्ट उनसे ऊपर की महाशक्ति के लिए कर्म करना जरूरी होता है। और इस तरह हर तरह का ब्लैक मैजिक कंट्रोल हो सकता है, ख़त्म हो सकता है आसानी से। आवश्यक सामग्री के लिए जरूरत होगी 4 अगरबत्ती, 5 पतासे, 4 लौंग, मिट्टी का कोई भी पात्र, गोबर का कंडा, शुद्ध देसी घी और गुग्गल। ये क्रिया शाम के समय करनी है, जब सूर्य अस्त हो चुका हो। अपने घर में जहां पूजा पाठ करते हैं, वहां 2 अगरबत्ती लगाकर कंडा सुलगा दें। इस पर देसी घी की कुछ बूंदे या 1 चम्मच डाल दें, फिर इस पर गुग्गल रख दें और उसे सुलगने दें। महाकाली से अपनी सुरक्षा के लिए, ब्लैक मैजिक से सुरक्षा के लिए, तंत्र क्रिया से सुरक्षा के लिए प्रार्थना जरूर करें। अब 2 अगरबत्ती, पताशे और 2 लौंग लेकर चौराहे पर जाएं। मिट्टी के बर्तन में अगरबत्ती लगाकर सारी सामग्री के साथ में रख दे, पताशे और 2 लौंग, और मन ही मन प्रार्थना करते हुए वापिस आ जाएं। अब घर पर रात को सोते वक्त मिट्टी के बर्तन में कपूर की सहायता से 2 लौंग आपको जलानी है सोने से जस्ट पहले। इस कंप्लीट क्रिया में आपकी बस लगभग 20 मिनट लगनी है, लेकिन इस क्रिया से जितना कितना भी शक्तिशाली भूत प्रेत या जिन्नात होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले जिसने उसको आपके खिलाफ प्रयोग किया है, वो उसकी खाट खड़ी करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी संभाल करे, उसकी सुरक्षा करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वह वापस उसी का नुकसान करता है और फिर सीधी दरबार में हाजिर लगेगी उसकी। आप इसे शनिवार से शुरू करें, अगर डेली न कर सके तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को जरूर करें। जय गुरुदेव।